अपलोडिंग कर रहा हूँ वीडियो की, और अभी हमारा खाना आ जाएगा। जवाब टेस्ट यार, मजा आया। मुझे मैट्रिक में ज्यादा नंबर चाहिए थे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए, और तीसरी दुआ जो मैंने मांगी थी वो मैं शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। मगर क्यों? ओ शिट, मैं की नीचे से लाना भूल गया। हाँ जी, क्या देख रहे हो? डॉक्समैन के कोल ब्लॉग। यार मैं रेडी हो चुका हूँ, और मेरे जो बाल है यहाँ के बार्बर तो बिल्कुल नहीं समझते, ये तो मुझे पता था, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ गंजा करना आता है, बाल बनाना नहीं। और इसलिए मैंने अपने लिए एक स्पेशल बार्बर मंगवाया था, बट उसने भी बड़ा गर्क कर दिया, मेरे बाल बन ही नहीं रहे। तो अभी पाकिस्तान जाकर इसका इलाज होगा, सेटिंग मेटिंग वहां पर करेंगे। तो मैं रेडी हो चुका हूँ रूम से निकलने के लिए, तो चलिए रूम से निकलते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा गंजा हो चुका है, इसे पेंग देते हैं, गन पहन दिया, तो ये चार्ज भी उठा लेते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वीजा भूल ना जाऊं, क्योंकि यहाँ पर अगर बाहर निकलना है तो ये वीजा साथ रखो, सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। और ये बैग उठा लेते हैं और चलिए निकलते हैं। तो यार मैं कल रात को बड़ी देर से पहुंचा था, तकरीबन 2:30 बजे थे, तो मैंने कहा था कि मैं सुबह की नमाज पढ़ कर ही फिर सो जाऊंगा। और सुबह फिर उठते ही बहुत ज़्यादा एडिटिंग जमा हो चुकी थी, तो वो करनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर नेट बिल्कुल काम नहीं करता। जो बिल्डिंग का नेट है होटल का, वो तो उसका तो वैसे भी बड़ा गर्क है, और जो सिम का नेट है वो तो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो मुझे लगा यार शायद मैंने गलत सिम ली होगी, तो मैंने पूछे तो उन्होंने कहा कि यहाँ हर टाइम रश लगा रहता है, उम्र के लिए लोग आते तो उस वजह से बहुत ज़्यादा नेट स्लो होता है। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो क्लॉक टावर नजर आने शुरू हो गए, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप कहीं भटक भी जाए तो दूर से नजर आ जाता है, तो बंदे को पता होता है कि यार इस तरफ मुझे जाने का हरम किसी के पास है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हरम शरीफ की तरफ, और असर की नमाज का टाइम होने वाला है, तो जल्दी से जाएंगे ताकि नमाज मिस ना हो जाए, और फिर बात शायद करेंगे। ओके, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अच्छा, मैंने STC का सिम डलवा लिया है, मुझे भी पता चला है कि STC का सिम बहुत ज़बरदस्त काम करता है, और मैंने एक ट्रायल लिया है उस सिम का, और सच में बड़ा ज़बरदस्त काम किया STC ने। अभी तक मेरे पास रेड मोबाइल का सिम था और वो तो काफ़ी बेकार था, तो अब नेट के झंझट से तो मैं फारिग हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हरम से आ चुका हूँ, कुछ खाते हैं और आज कुछ ट्राई करते ही। यार मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता था, पर यहाँ पर नए तो सारे मतलब हांडियाँ ही हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। तो आज फिर से खा लेते हैं वो चावल और रोस्ट, बड़े मजे का था उस दिन, पर मेरा पहला दिन तो मैंने इसी तरीके से इंजॉय नहीं किया था, पर आज पूरे इसी तरीके से इंजॉय करूँगा। आ चुका है साथ, और मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ वीडियो की, और अभी हमारा खाना आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। मजा आया। तो खाने के बाद मैं दोबारा हरम जा रहा हूँ, क्योंकि मगरिब की अजान हो चुकी है, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर बात करते हैं, क्योंकि नमाज कड़ी होने को है। So I am done with tawaf, और इस बैग ने जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा थका दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है, इसमें सामान है। कल से इस तरह करेंगे कि इसे ज़रा खाली करके आएंगे, क्योंकि तवाफ में ये बहुत ज़्यादा मेरे शोल्डर्स कल से दर्द कर रहे हैं और कुछ हद तक दर्द कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कल ये तो बता दिया था कि मैं पहली बार उम्र पर किस तरह आया था। अच्छा, दूसरा उम्र जो मैंने किया था वो इस तरह का काम था कि मेरे बोर्ड के पेपर्स थे, मेरे 9 में थोड़े से कम नंबर आ चुके थे, और मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो चुके थे और वाइवा था, तो मुझे मैट्रिक में ज़्यादा नंबर चाहिए थे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो मैंने आखिरी वाइवा पर वीज़े के लिए अप्लाई किया, मैंने उनको बोला, और फिर कुछ ही एक हफ्ते में चला गया।
और मैंने उस टाइम सुना था कि आप जब काबे को पहली मर्तबा देखते हो, यानी कि आपकी जब पहली नजर पड़ती है और आप जो दुआ मांगते हो कबूल हो जाती है। तो मैंने तीन दुआएं मांगी थी। पहली दुआ अच्छे मार्क्स मेरे टेंथ में आ जाए ताकि मेरे इस्लामिक कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और वो हुआ था। एक्चुअली मैं लास्ट था, बल्कि लास्ट नहीं था, थर्ड लास्ट बोल सकते, मेरे पास सिर्फ 2%, मतलब मुझे पर इस तरह बोल सकते आपके मेरिट बंद हुए इस्लामिक कॉलेज का बाल बाल बचा में। और दूसरी दुआ जब मैंने मांगी, वो उस टाइम हमें इतना पता नहीं था कि यार मेडिकल कॉलेजेस है और उसमें फिर प्राइवेट अलग होता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अलग होते हैं, बस इतना पता था यार केएमसी में होना है, केएमसी का ही नाम सुना था। तो मैंने दूसरी दुआ मांगी थी केएमसी की, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केएमसी टुडे। और तीसरी दुआ जो मैंने मांगी थी वो मैं शेयर नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, मगर क्यों, और जो तीसरे उम्र का सीन है वो तो आप लोगों को पता है, आप लोगों के सामने ही सब कुछ हुआ है। तो रोज की तरह आज भी खाली बोतलों में जमजम भरेंगे। So it's now 9:30 PM here. तो इसका मतलब है कि वहाँ पाकिस्तान में हुए होंगे 11:30 PM। अच्छा, मुझे आतिफ भाई की कॉल आई है इसलिए मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ अभी, कि कल हमें जाना है ज़ियारत। तो टाइमिंग उन्होंने बताई है कि 7:30 AM, मतलब सुबह के 7:30 बजे निकलना है, तो उठना पड़ेगा 6:30। ओ शिट, मैं की नीचे से लाना भूल गया, फिर नीचे जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने उठा ली, आप घर जाऊंगा। तो रास्ते में आते हुए मैंने अपने लिए उठाया सीख कबाब और रोटी, क्योंकि मैं जरा फुल था, क्योंकि असर की नमाज के साथ ही मैंने खाना खाया था। सो यार व्लॉगिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ बज रही 2 बजे पाकिस्तान में और मैं 4 बजे मेरे रूम लेट आ चुके, तो लिटरली मैं सिर्फ व्लॉग के निकले बाहर निकला हूँ। यार मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।